हेलो दोस्तों, क्या आप भी रिडीम कोड बनाना चाहते हैं फ़ोन पे से? तो किस तरह से आप फ़ोन पे से रिडीम कोड बनाएंगे, क्या प्रोसेस है फ़ोन पे से रिडीम कोड बनाने का, तो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ फ़ोन पे से रिडीम कोड बनाने का। तो किस तरह से आपको बनाना है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन शो होगा, उसको ऑल नोटिफिकेशन पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फोन पे एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आपको लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना है। अगर आप डाउनलोड करके रखे हैं तो प्ले स्टोर में जाकर के आपको सबसे पहले फोन पे को अपडेट कर लेना। अगर आपका फोन पे में अपडेट आया हुआ है तो प्ले स्टोर में सर्च करके आपको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद ओपन कर लेना। चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कहीं भी आपको रिडीम कोड बनाने का ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं सीन ऑल पे आपको क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं गूगल प्ले, इस पर आपको क्लिक करना है। गूगल प्ले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गूगल प्ले स्टोर रिचार्ज यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको जितना अमाउंट का यहाँ पे बनाना है अमाउंट डाल लेना। जैसे कि देख सकते हैं फ़ोन पे से आप 10 रुपया से लेकर के आप 5000 तक रिडीम कोड बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप अमाउंट डालें अपने हिसाब से, आप जितना का बनाना चाहते हैं उतना अमाउंट। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 10 रुपया का बनाना चाहता हूँ, तो मैं 10 रुपया एंटर कर दिया। और यहाँ पे नीचे यहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पे देख सकते हैं बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, तो बाय नाउ वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करना है, जो भी आप बैंक अकाउंट से पेमेंट करना चाहते हैं। बहुत सारे, जैसे कि आपका यहाँ पे एक बैंक अकाउंट शो होगा आपने लिंक करके रखा है, तो मैं यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे लिंक करके रखा हूँ इसलिए मेरा इतना यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप जिस बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट करके उसके बाद नीचे आपको पे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको UPI आपको इंटर कर लेना, जो भी आपने UPI है आपको इंटर कर लेना है UPI पिन। उसके बाद यहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका रिडीम कोड शो हो जाएगा। इसको चलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ से आपका रिडीम कोड बन चुका है, तो यहाँ से आपको इसको बैक कर देना है। तो इसी तरह से आप भी अपने फ़ोन पे से रिडीम कोड बना सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से आपको फ़ोन पे से रिडीम कोड बनाना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए मिलते हैं ऐसे न्यू कमाल के वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।